ले जाओ ले जाओ, ये सामान भी ले जाओ ले जाओ, और चार पांच आदमी और भेजो ये बाकी का सामान ले जाने के लिए। हनी साहिबा, क्या आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके इस सामान की वजह से हमारे दो दिन जाया हो गए हैं? परसों निकलने वाले थे हम, आज निकल रहे हैं। ओहो, जहां पना भी क्या, किसी गांव के पति की तरह घर से बाहर निकलते समय किट 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 किट। अरे जहां पना हो, जहां पना की तरह सफर करना सीखो। रानी साहिबा, हम कश्मीर सिर्फ घूमने जा रहे हैं, वहां पर अपना घर बसाने नहीं जा रहे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो जब लोग सफर करने निकलते थे तो इतना सामान लेकर निकलते थे कि रास्ते में गांव बस जाते थे। और वैसे भी इतनी गर्मी है दिल्ली में कि बर्फ में भी छाले पड़ जाए। हमें तो लगता है हमें कश्मीर ही रहना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। उपेना, आप दोनों कश्मीर जा रहे हैं कि आपके साथ शहजादे सलीम भी जा रहे हैं? बालदेव, हम कश्मीर दो दिन अमन और शांति के गुजारने जा रहे हैं, और आप यहाँ पर किसी तरह हमारी रियासत का ख्याल रखिएगा। सलीम से महफूज रखेगा हमारी रियासत को, हमें बड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है। अरे बलदेव, हमें लगता है कि हमारे शहर में भूकंप आया है। रानी साहिबा, आप इस बेस के नीचे घुस जाइए। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं घुस पाएंगी। तो आप घुस पाएंगे, घुस कर दिखाइए। अरे घुसिए। रानी साहिबा, यहाँ भूकंप आया है, आप बहस कर रही हैं। ये क्या था? जहाँ पना, मजदूरों को आदेश दिया गया था महल की दीवार गिराने का। हाँ, किस गधे की औलाद ने आदेश दिया है? जहाँ पना की औलाद ने, मतलब शहजादे सलीम ने। दो दिन पहले आप लोग कश्मीर निकलने वाले थे, इसलिए आज मजदूरों को बुलाया गया है। ओहो, जाओ बाकी का महल तोड़ो। जाओ। कुछ नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। हाँ अब्बा हुजूर, आपने हमें याद किया। नामाकूल, नामुराद, नालायक, क्या हम जान सकते हैं कि किससे पूछकर आपने महल को तोड़ने का आदेश दिया? दिया तो दिया, लेकिन क्यों दिया? क्योंकि हम इस महल की जगह नया संगमरमर का महल बनवाएंगे। अब हुजूर, अब आप ही बताइए, हिंदुस्तान के बादशाह का परिवार एक पत्थर के मकान में रहे, क्या ये हमें शोभा देता है? हाँ, ये हमें शोभा देता है। दो दिन पहले जाने वाले थे, दो दिन पहले अगर चले गए होते तो अब तक हमारा ये महल मिट्टी में मिल गया होता। हाँ तो ठीक है, नहीं मिलाएंगे आपका महल मिट्टी में, लेकिन एक काम तो हम करके ही रहेंगे। क्या? हम अपने कमरे को तोड़वा कर उसकी जगह नया संगमरमर का कमरा बनवाएंगे, वो भी ईरान से मंगवा कर। आपका कमरा इतनी ऊंचाई पर नहीं है, आपका कमरा सबसे निचली मंजिल पर है महल के। अगर आपने अपना कमरा तोड़ा तो पूरा महल टूट कर नीचे आ जाएगा। हाँ तो क्या करें, आपके महल के चक्कर में हम अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकते अब्बा हुजूर। नहीं 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 नहीं, आपकी इज्जत तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपके टुकड़े टुकड़े करके अभी आपको मिट्टी में मिला देते हैं। अभी मिलाते हैं। जान बचाइए। अरे नहीं, सर फोड़ दिया है हमारा, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। किसे जा बना? शहजादे सलीम को? नाम मत लीजिए उस नामाकूल का हमारे सामने। ठीक है जापना, हम शहजादे सलीम का नाम नहीं लेंगे। अरे फिर से आप वही नाम ले रहे हैं, अभी कहा नाम मत लीजिए। बीरबल जी, जब जापना कह रहे हैं कि सलीम का नाम मत लीजिए, उन्हें तकलीफ होती है, तो बार बार आप सलीम का नाम क्यों पुकार रहे हैं? सलीम 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 कर रहे हैं। ठीक है, हम आज के बाद सलीम का नाम कभी नहीं लेंगे, हमारे मुंह से सलीम कभी नहीं निकलेगा। भले किसी और का नाम ले ले, लेकिन सलीम का नाम हम नहीं लेंगे। मार दीजिए हमें आप दोनों मिलकर। बार बार वही नाम लेते जा रहे हैं, कह रहे हैं नाम मत लीजिए मत लीजिए मत लीजिए। शुक्र है खुदा का कि जुड़वा पैदा नहीं हुए,
वरना आधी उम्र में हम अल्लाह को प्यारे हो गए होते। आज हमने एक फैसला ले लिया है। क्या जहां पना? हमें बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सलीम को अपने बेटे के पद से खारिज करते हैं। अरे क्या कर रहा है बेवकूफ? यानी कि वो इंसान जिसका नाम हम नहीं ले सकते उसको हम अपने नाम से अलग करते हैं। अरे जापाना देखिए, मजाक की बात और है, लेकिन सलीम हमारा मतलब वो इंसान जिसका नाम हम नहीं ले सकते वो बेटा है आपका, औलाद है आपकी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम कौन है? बादशाह। हम बादशाह हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हुजूर, मानिए अगर आपने शहजादे सलीम को खारिज कर भी दिया तो आपकी ये राजगद्दी का क्या होगा? वो आपके वारिस है, कौन संभालेगा आपकी रियासत को? गद्दी कोई भी संभाले लेकिन ये गधा नहीं संभालेगा। हम एक नया बेटा गोद लेंगे। मगर जापना, मगर वगर कुछ नहीं, हमारा फैसला अटल है। बलदेव, हमारी रियासत में ऐलान कर दीजिए कि हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, हम ये ऐलान करते हैं कि हम एक नया बेटा गोद लेना चाहते हैं। ये सुनने से पहले हमारे कान क्यों नहीं फट गए? हमारी जबान गले में अटक क्यों नहीं गई? बहनी साहिबा, हमने जो भी फैसला लिया है बड़ा सोच समझ के लिया है। तो क्या सोचकर आपने ये समझ लिया कि ये फैसले को हम मान लेंगे? हमारा लाडला, हमारा सलीम, हमारे जीते जी अनाथ हो गया। हम हमारे मायके वालों को क्या जवाब देंगे? बहनी साहिबा, हर बात आपके मायके तक पहुँचना क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है। पता नहीं क्या दुश्मनी है हमारे मायके वालों से और उनकी दुश्मनी आप हमारे सलीम पर निकाल रहे हैं। हमारा लाडला, हमारा जिगर का टुकड़ा है। सलीम के दिमाग के एक छोटे से टुकड़े ने हमारा क्या हाल किया है जरा देखिए। बस बस रानी साहिबा, बस अब हम और सहन नहीं कर सकते। कितना भरोसा किया था जहाँ पना पर आपने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। भरोसा आपने तोड़ा है हमारा? हमने हमने कैसे तोड़ा भरोसा? सलीम जैसा बेटा देकर जब वो पैदा हुआ था पूरे महल में मिठाई लेकर भागे थे हम कि शाही खून पैदा हुआ है, शाही खून पैदा हुआ है। अब हम तलवार लेकर उसके पीछे पीछे भागते हैं कि शाही खून पैदा क्यों हुआ, शाही खून पैदा क्यों हुआ है। जहां पना बच्चे से भूल हो गई, माफ कर दीजिए ना हमारे सलीम को, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जहां पना, बाहर उम्मीदवारों को कतार लगी हुई जो अपने आपको गोद देना चाहते हैं। हाँ, हम उन सब से मिलना चाहेंगे। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको, सलीम जैसा बेटा कभी नहीं मिलेगा। वही तो हमें नहीं चाहिए, हमें सलीम जैसा बेटा नहीं चाहिए, हमें नया बेटा चाहिए, नया बेटा जो अब हमें मिलेगा। मेरा लाडला, मेरा जिगर का टुकड़ा सलीम, ओ मेरा शाही खून। ये बैठिए आप, तशरीफ रखिए, हमारे होने वाले वारिस को पेश किया जाए। एक के पीछे एक खड़े हो जाइए, ऐसे नहीं होगा, एक के पीछे एक खड़े हो जाइए, आप आइए पहले, उसके बाद आप लगिए एक के पीछे एक लगिए। हाँ अभी ठीक है, झांपना अब सही है? हाँ अब सही है। हमारे होने वाले वार आप यहां क्यों खड़े हैं? कठोर, हमारे होने वाले वारिस को पेश किया जाए। पहला उम्मीदवार। जहां पनाह की जय हो, मेरा नाम अमर कुमार है और मैं अपने गांव का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर नौजवान हूँ।
पूरे गांव ने चुनकर मुझे यहां भेजा है। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा और बेटा होने का हर फर्ज निभाऊंगा। वाह वाह अमर कुमार, वाह वाह, सुन के बड़ा अच्छा लगा। आप यहां पर बैठ जाइए। अगला उम्मीदवार पेश किया जाए। गिले लाए, गिले लाए। चाचा जान, दादा जान, जहां पना अपने लिए वारिस ढूंढ रहे हैं, दादाजी को नहीं। हम आपको गोद कैसे ले सकते हैं? खुद खुदा आपको अपनी गोद में बहुत जल्द बैठाने वाला है। इस आदमी को बाइज्जत बाहर निकाला जाए। चलिए चलिए, बाहर आइए, बाहर आइए। अगला उम्मीदवार पेश किया जाए। झापना, मैं आपकी सेवा में दिन रात कर दूंगा। वक्त पे वक्त आपका दिल बहलाऊंगा, आपका मनोरंजन भी करूंगा। बहुत ही बीमार है, इन्हें हकीम साहब के पास ले जाया जाए। जल्दी 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 इनकी तबीयत को ठीक किया जाए। अगले उम्मीदवार को पेश किया जाए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को, अकबर खान का सलाम। ओ अकबर। हमारे इलाके में हमारा बहुत ही रुतबा है, मान है। हमारा गांव हमें बेटे की तरह मानता है। अगर आप एक मौका दें तो हम अकबर द्वितीय बनने की पूरी कोशिश करेंगे। अकबर द्वितीय। अच्छा लगा हमें यह भी सुनकर, अच्छा लगा। आप यहां पर बैठ जाइए, आइए। अगला उम्मीदवार पेश किया जाए। शहंशाह अकबर दो, अंतर सिंधा प्रणाम। मैं अपने गांव का सबसे बहादुर से बड़ों की सेवा करने वाला आदमी हूं। हुजूर, जे गांव में कोई भी मसला आंदा तो मैं उसे सुलझांदा। हुजूर, जे आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपकी दिलो जान से सेवा करूंगा। ये सुनकर भी हमें अच्छा लगा। बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। तो अमर, अकबर और अंतर में से किसी एक को हमारा वारिस चुना जाएगा। लेकिन अभी आपका एक इम्तिहान बाकी है, जिसके लिए आपको कल रात के पहले पहर में यहां दीवाने खास आना होगा। यह इम्तिहान क्या है यह हम आपको तब ही बताएंगे। तो याद रखिए, कल रात को पहले पहर में। रानी साहब की जय हो, आपने हमें याद किया। बिरबल बिरबल, कुछ कीजिए, हमारे बेटे का हक छिन रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। रानी साहब, हम जानते हैं, हमने बहुत कोशिश की जापना को समझाने की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। एक नहीं सुनी तो दो सुनाइए, शायद दूसरी वाली सुन ले। आपके पास तो हर मुश्किल का हल है बिरबल, हमारे बच्चे का हक दिलवाइए। ना इंसाफी हो रही है, देखिए आपको आपके बच्चे की सौगंध। हमारे बच्चे नहीं है। तो नहीं है तो हो जाएंगे ना, और अगर एक माँ की दुआ हुई तो एक क्या 11 बच्चे होंगे। बिरबल कुछ कीजिए, महाराज को समझाइए। रानी साहिबा, हमने बहुत कोशिश की। तो धमकाइए, इतनी हमारी हैसियत नहीं है। मिन्नत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सलीम को लेकर मैके चले जाते। अच्छा ठीक है। ओए, क्या ठीक है, हम चले जाएंगे। रानी साहिबा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। हाँ? आप धीरज रखिए। अब ये धीरज कौन है और हम क्यों रखे धीरज को, हम तो सलीम को रखना चाहते हैं। हम जाते हैं। कुछ कीजिए बिरबल। अमर, अकबर और अंतर, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने आपको रात के पहले पहर में क्यों बुलाया है। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे,
और उस सवाल का जवाब सिर्फ रात के पहले पहर में ही दिया जा सकता है। और जिसने सही जवाब दिया वो बनेगा हमारा अगला वारिस। तो तैयार हैं आप लोग? हमारा सवाल यह है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो आप कौन है मोहतरमा? मोहतरमा नहीं, डाकू है हम, डाकू। एक बार से सर कलम कर देते हैं, सर कलम, हाथ भी खत्म। आप लोग देख क्या रहे हैं? ये भी चार हैं, हम भी चार। हल्ला बोल, बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे ए, ए। हा, 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 हा। अब क्या करोगे? उठा लो इसे। कौन हम? तो क्या हम उठाएंगे? अरे ये राजा है, राजा बहुत मोटी फिरौती, फिरौती मिलेगी। होशियारी करने की कोशिश की तो सर कलम कर देंगे। अरे कर क्या रहे हो कायरो, वार करो, वार करो। इन तीनों को भी हलाल कर दो। हमारा क्या कसूर है? अरे हम तो कहीं के बादशाह भी नहीं है। हम तो यहाँ बेटा बनने आए थे, सर कटवाने थोड़ी आए। ओ जी, वारिस बनने आए थे, लावारिस नहीं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। जा अपना, अब तो एक ही तरीका है बचने का। क्या? हमारे वारिस बनने आए थे, ये डरपोक। अब कौन बचाएगा तुझे? चलो उठा लो इसे। कौन? हम? उठा नहीं सकते तो साथ ले चलो इसे, ले चलो अपने साथ। अच्छा, पर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर सोच लो। हम अब्बा हुजूर, आप चिंता मत करिए, खबरदार अगर हमारे अब्बा हुजूर को कुछ भी किया तो, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सर कलम कर देंगे। अब्बा हुजूर, वो जा चुका है जी, ये लीजिए। ये पुरानी वाली हमें नहीं चाहिए, हमें नई वाली दीजिए। चलिए अब्बा हुजूर, हम दोनों मिलकर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हम दो लोग चारों तरफ से कैसे घेरेंगे? उसमें कौन सी बड़ी बात है? दो तरफ से आप घेरिए, दो तरफ से हम घेरते हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल। क्या? हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला। ऐसे नहीं अब्बा हुजूर, इसका सर कलम करते हैं। शेरा सलीम, हमें हम। आपको हमने पहले कहीं देखा है? अरे जापना, हम बीरबल, बीरबल। लेकिन बीरबल, आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको डाकू बनना पड़ा? हम डाकू बने नहीं है, हमने डाकू का भेष बदला। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि हम आपकी आंखें खोलना चाहते थे। हमारी आंखें बंद है? अरे जापना, मतलब हम आपको समझाना चाहते थे। एक ये है आपके उधार के वारिस, जिन पर आपको बहुत भरोसा था, जो वक्त आने पर दुम दबा के भाग गए। और एक ये शहजादे सलीम, आपके बेटे, इन्हें कुछ पता नहीं था, हमने तो सिर्फ इन्हें यहाँ बुलाया था। लेकिन आपको खतरे में देख इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। यही है आपके असली बेटे, अपना खून, अपना खून होता है जापना, यही है आपके असली वारिस। वाकई बीरबल, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। असली खून वाकई में असली खून होता है। सलीम, हम माफी चाहें, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आप पर कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन आज आज आपने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। आइए सलीम, हमारे गले लग जाइए।
सलीम, आज आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। वो तो हमने किया ही अब्बा हुजूर, लेकिन अभी नहीं, शाम को किया था। ओहो, शाम को क्या किया था आपने? कुछ नहीं, जब हमें पता लगा कि आप अपने लिए नया बेटा गोद ले रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपने लिए एक नया अब्बा हुजूर गोद ले लें। बस हमने इसलिए पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया और कल तक हमारे नए अब्बा हुजूर आते ही होंगे। नालायक, नामकूल, नामुराद, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हल्ला बोल। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। जहां बना मैं आपका। क्या कर रहे? ठीक है, जा वापस आ। जहां बना बस कीजिए बिरबल। खुश? बात बात पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, नाक पे लेकर चलते हैं अपना गुस्सा।